नीमच पुलिस कंट्रोल रूम से रविवार को यातायात जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। उक्त जागरूकता रैली आमजन में सुरक्षित यात्रा और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों साइकिल से सफर करने के साथ साथ अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए की गई। पुलिस कंट्रोल रूम से हरी झंडी के साथ यह रैली प्रारंभ की गई। उक्त रैली पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए फवारा चौक, कमल चौक, विजय टॉकेज चौराहा, लायंस पार्क चौराहा, LIC रोड, अंबेडकर मार्ग, शोरूम चौराहा होते हुए पुनः कंट्रोल रूम पहुंची। इस दौरान रैली में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनीश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला, SDM SL शाक्य, यातायात प्रभारी मोहन भर्रावत सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने इस साइकिल रैली में भाग लिया। आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस साइकिल रैली का आयोजन करने का एक ही मंतव्य था कि लोग ट्रैफिक कम से कम रखें, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे ही अपना पर्सनल वाहन ले जाएं, जिससे ट्रैफिक समस्या जो शहर की बनी हुई है वो थोड़ी सुलझे, और साइकिल का उपयोग करें। बच्चे विशेषकर युवा वर्ग जो है वो साइकिल का उपयोग करें, इससे न केवल पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफ़ी हमको आराम मिलता है। हर कोई अपनी प्राइवेट कार्स लेके जाता है, जहाँ पर कार की ज़रूरत भी नहीं। नीमच छोटा शहर है, बाज़ारों के लिए हम टू व्हीलर या फिर अपनी साइकिल लेके जाएं, उससे कम से कम हमारी ट्रैफिक समस्या और जाम की समस्या रहती शहर में बचेगी और एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था शहर में बन सकेगी। यही पूरा हमारा इस आयोजन का जो मंतव्य था वो यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। कोशिश है कि इस तरह के आयोजन होते रहें और लोगों में जागरूकता आए कि यातायात की जो व्यवस्थाएँ हैं वो सुचारू रूप से चले और जो एक्सीडेंट की समस्या अक्सर शहर में होती रहती है वो और कम से कम। पूरे एक साल में कोरोना महामारी के बाद इस प्रकार का प्रथम आयोजन हो रहा है, किस तरह से क्या माहौल है और इस तरह से क्या ये आयोजन लगातार नहीं? डेफिनेटली एक कठिन काल के बाद इस तरह का आयोजन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमारे साथ पूरी पब्लिक है, पुलिस है, जनता है, सामाजिक संगठन है, ये बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है जब शहर जुड़ के कोई भी समस्या के लिए आगे आता है तो उसका निदान भी निकलता है, और आगे भी हम लोगों ने अगले 2 महीने में ऐसे कुछ आयोजन प्लान किए हैं। अभी हम लोगों ने कुछ खेलकूद भी शुरू किया है, हम लोगों ने फुटबॉल प्रतियोगिता भी कराई है नगर पालिका के द्वारा। आगे भी इस तरह की कुछ टूर्नामेंट्स और कुछ इस तरह की सामाजिक गतिविधियां हम चालू करना चाहते हैं, जिससे एक जो कोविड काल का जो कठिन समय था नागरिकों को उससे निजात मिले, एक सकारात्मक ऊर्जा है और जीवन के जो और आयाम है उससे हम लोग सभी लोग मतलब बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैं आशा करूँगा लोग हमारे इस आयोजन में सहभागिता देंगे और इसको सफल बनाएंगे। देखिए, आज पुलिस विभाग द्वारा यातायात माह के दौरान ये साइकिल रैली पब्लिक में यातायात नियमों का एक जागरूकता फैलाने के लिए की गई है, तो ये एक पुलिस विभाग की अभिनव पहल है और निश्चित ही इससे पब्लिक में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलेगी और सभी फॉलो भी करेंगे। देखिए, ये जो यातायात सप्ताह एक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये यातायात माह के रूप में इस बार इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। यातायात के संबंध में जो पब्लिक को और सभी को जागरूकता के लिए आज इसी तारतम्य में हमने जो है साइकिल रैली का आयोजन किया है। साइकिल रैली से पब्लिक में मैसेज जाए कि एक तो प्रदूषण रहित है, दूसरा सभी लोगों को अधिक से अधिक फिजिकल फिटनेस के लिए और वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए और ट्रैफिक के सभी नियम्स का जो पालन करने के लिए उसके संबंध में जानकारी के लिए हमने रैली का आयोजन किया। नीमच से आसिफ अली की यह रिपोर्ट।